अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए उर्दू का लेक्चर नंबर 11 आज हम लेते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर जिशा सना काशिफ। हमारे आज के लेसन का नाम है सूरज के फ़ायदे। इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। डे टाइम डे लगा लें। बस उठ बैठो बेटा, बहुत सो चुके, बहुत वक्त बेकार तुम खो चुके, यानी तुमने ज़ाया कर दिया बहुत वक्त सोकर। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ना सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त। अगर हाथ मुंह धो के आओ अभी, सुनाएं तुम्हें आज बातें नई। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ, कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज तुम सूरज के फ़ायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहाँ। ना हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी के सूरज सी नेमत हमें उसने दी। यहाँ आज की रीडिंग की डेट लगाएं, जो अल्फाज मानी हैं वो आपने हाईलाइट करके यहाँ लिखने हैं। जैसे अनायत है, अनायत मेहरबानी को कहते हैं, खेतियाँ फसलों को कहते हैं, ठीक है। आपके जो नए अल्फाज के मीनिंग यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, यहाँ से आपने मीनिंग लेकर हाईलाइट करके अपनी नज़म में भी लिखने हैं, ये याद भी करने हैं। यहाँ भी आज की डेट लगाएं। इसकी इमला देखते हैं। सूरज के फ़ायदे, इमला के अल्फाज हैं बेकार, फ़ायदे, बदौलत, नेमत, इनायत, धूप, परेशान, खेतियाँ। ये अल्फाज आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करके इनको रजिस्टर पे नोट करके लिखना है। आज उर्दू ए का लेसन आपका यहीं तक है।